हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं अपनी जो कीबोर्ड की जो कीज होती है F1, F2, F3 से लेके F12 तक की जो कीज है, इनको आप और कंट्रोल के साथ यूज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, यानी कि कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F2 से लेके कंट्रोल F12 तक आप जितनी भी ये की है F1, F2, F3, F12 वाली, इनको यूज करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज होगा, यानी कि आप अपने वर्क को इन कीज को यूज करके किस तरह से इजी कर सकते हैं और इन कीज का क्या यूज होता है अगर आप कंट्रोल के साथ इनको प्रेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब यहाँ पे हमारा जो भी F1 जो है इसको किस तरह से यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ हम F1 यूज करेंगे तो हमारा टूल बार है ये हाइड हो जाएगा, फिर अगेन हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारा टूल बार है ये शो हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करने से टूल बार को हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है F2। F2 का यूज हम किस तरह से करेंगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो हमारा पेज है इसका हम यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। जो भी हम प्रिंट निकाल रहे हैं उससे पहले हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि पेज की सेटिंग किस तरह से, इसमें कोई भी सेटिंग हम करना चाहते हैं तो इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। साइज मिनिमाइज करना चाहते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करने से हम पेज प्रीव्यू पर चले जाएंगे। F3 का यूज करना है यहाँ पे हमें, अब हमें कंट्रोल के साथ F3 पहले इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा मैटर है, अब कंट्रोल के साथ हम F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी नेम वैल्यू रेफर्स स्क्रॉप कोई भी हमें यहाँ पे इसमें कमेंट्स करना है तो कमेंट कर सकते हैं। इससे हमारा न्यू है तो हम यहाँ पे कोई भी कमेंट करना है ओके लिख सकते हैं इसमें, तो इस पर कनेक्ट करेंगे इस तरह से हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओके सबमिट हो गया है, यानी कोई भी हमारा टेक्स्ट वगैरह है उसमें हमें डायरेक्टली कमेंट करने के लिए उसका नेम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। F4 का यूज किस तरह से करते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी हमारी विंडो ओपन है हमें इसको क्लोज करना है तो हम कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो हमारी जो विंडो ओपन है ये क्लोज हो जाएगी, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। F5 का यूज किस तरह से करेंगे, कंट्रोल के साथ हम F5 प्रेस करेंगे जो हमारी जो विंडो ओपन है इसका साइज मिनिमाइज हो जाएगा और इसको फिर हमें रिटर्न पोजिशन में लाना था, कंट्रोल के साथ फिर हम F10 प्रेस करेंगे तो हमारा इसका साइज पूरा मैक्सिमम हो जाएगा जो हमारा साइज था इसका। अब हमारा F6 से हमारा किस तरह से यूज होता है, हमारे जो नीचे ये ऑप्शंस दिए गए हैं स्टार्ट मेन्यू है और ये क्रोम है, इस तरह के इनको मैनेज करने के लिए हम इनको इन जो ऑप्शंस हैं इनको हम कीबोर्ड के द्वारा मैनेज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड में F6 प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्ट मेन्यू पे चला गया, ये उसको हाईलाइट कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि हम कीबोर्ड के द्वारा अब इनको यहाँ पे इजिली इनको मैनेज कर सकते हैं कीबोर्ड के यूज से, ये F6 का वर्क होता है। अब F7 की का यूज करेंगे, F7 की का यूज हम एक से ज्यादा विंडो ओपन करने के लिए करते हैं मोर विंडोज के लिए, कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे तो हमारे जो भी और विंडोज हैं वो ओपन हो जाएंगी। एंड F8 का यूज करते हैं हम, F8 का यूज हम विंडो का साइज इंक्रीज और मिनिमाइज करने के लिए करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो हमारी विंडो का साइज यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। F9 के यूज के द्वारा हम इस जो भी हमारी विंडो ओपन है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्लोज कर सकते हैं सर कह सकते हैं, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो हमारी जो विंडो है ये यहाँ पे मिनिमाइज हो गई है। एंड अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं F10। F10 का यूज करके हम विंडो के साइज को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करेंगे तो इसका विंडो जो का साइज है मिनिमाइज हो गया है। F11 का वर्क क्या होता है, किसी भी न्यू मैक्रो सीट को ओपन करने के लिए हमारे जैसे सीट वन है, अगर यहाँ पे कोई भी मैक्रो सीट ओपन करनी है हमें, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे हम यहाँ पे तो हमारी न्यू मैक्रो सीट ओपन हो जाएगी, जैसे ये वाली है ये ओपन हो गई है। एंड F12 का यूज करते हैं हम किसी भी फाइल को यहाँ पे ओपन करने के लिए, मान लो हम एक्सेल में वर्क करें हमें कोई भी सिस्टम से दूसरी डेस्कटॉप से फाइल को ओपन करना है तो हम कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे और जिस भी हमारी जो भी फाइल जहां पे हमारी सेव है उसको हम यहाँ से इस तरह से डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे जाके हम उसको ओपन कर सकते हैं, कोई भी हमारी फाइल्स वगैरह है उसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल में वर्क करते किसी एक विंडो में वर्क करते हुए हम दूसरी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से उसको ओपन कर लेंगे, हमें डेस्कटॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा कंट्रोल के साथ अपनी जो कीज होती है F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक जो कीज है इनका जो मैंने वर्क एक्सप्लेन किया है कि किस की का क्या वर्क होता है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।